हाँ बोल सकते हो, कल क्या बोला था सर, याद है कुछ? हनुमान की कथा याद नहीं है? हाँ सुना, फटाफट कर दो, 2 मिनट सुना। तुम्हारे कुछ याद है हनुमान की कथा? हाँ कल था नहीं कथा में, तो फिर लिखा नहीं तुमने, तो बोलो। हाँ याद नहीं किया, इतना याद नहीं होता, सारा दुनिया याद रहता है, इसको उसको इधर इधर कर। हाँ बोलो, 2 मिनट बोलो। हाँ हाँ सुना, हाँ बोलो सीधा बोलो। हो गया हो गया, बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। कल जो गुरुदेव ने सुनाया, हाँ क्या सुनाया? हाँ आप आपने बताया कि हनुमान जी ठाकुर जी की कई प्रकार से सेवा करते हैं। हाँ जैसे पिछली कथा में प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को, जब उन्होंने उनके पिताजी ने पूछा कि तुमने वहाँ पे क्या सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, अरे वो तो हो गया, हनुमान की कथा सुना। मैं भी तो बताया था नहीं, हम जो हनुमान जी कथा सुना, जो सार कथा सुना, पूरी नहीं। हनुमान जी भगवान जी की कई प्रकार से सेवा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है दास्य, भगवान के सबसे बड़े भक्त है और वे उनके हर प्रकार से सेवा करते हैं। जैसे उनको सुबह से ही उनका नाम संकीर्तन ध्यान, उनके सेवा, उनके चरण पादों का इधर उठाना, उनको युद्ध में मदद करना। दूसरा उनका नाम है सख्य, वे उनके भगवान के सखा रूप में भी सेवा करते हैं। तीसरा बताया था वाहन रूप में, उनके भगवान जी के वाहन रूप में सेवा करते हैं। जब भगवान जब रावण से युद्ध हो रहा था तो जो मेघनाथ था तो वो अपने दिव्य रथ पर बैठकर ऊपर आकाश में युद्ध कर रहा था, तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वो तो रथ पर बैठ के युद्ध कर रहा है और आप धरती पर युद्ध कर रहे हो, तो आप मेरे कांधे पर आ जाओ, मैं भी आपको आकाश में ले जाऊँगा, वहाँ जाकर इसको तुम्हारे तरफ में कर दो, देखेंगे सब। मैं आपसे मैं आपसे युद्ध, फिर वो आप उससे आकाश में जाकर युद्ध करना। एक बार जब भगवान सबरी से मिलकर उन्होंने पता बताया कि आप सुग्रीव से जाकर मिलो, वे आपकी मदद कर सकते हैं, तो जब ऋषिमुख पर्वत पर जब हनुमान जी देख रहे थे तो हनुमान जी वहाँ सुग्रीव के साथ विराजमान थे, क्योंकि वे बाली के डर से वहाँ छुपा हुआ था, तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि दो बहुत सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण किए व्यक्ति हमारे ओर ही आ रहे हैं, तो उनके बारे में पता करना चाहिए कि वे कौन है, क्या कोई हमारे शत्रु तो नहीं है, पर सभी डरते थे वहाँ जाने के लिए, पता नहीं कौन हो सकते हैं। तो सुग्रीव महाराज ने परम बुद्धिमान ज्ञानी और बलवान व्यक्ति को हनुमान जी को समझकर ही उन्हें भेजा कि तुम जाकर ही उनके बारे में भेद निकाल के लाओ। जब वे वहाँ उनके पास आए तो उन्होंने बहुत सारी वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि यहाँ से सुग्रीव महाराज जी का जो स्थान है वो बहुत दूर है, आप दोनों मेरे कांधे पर आ जाओ, मैं आपको तत्क्षणा के वहाँ पर ले जाऊँगा। तो ये तीसरा है कि उनका वाहन रूप में सेवा करते हैं, तीसरा उनके शरीर से सेवा करते हैं, वे भगवान के अपने शरीर से भी सेवा करते हैं, जिसमें जब उन्होंने पुल के बनाने से लेकर तो भगवान के शरीर से उन्होंने बहुत सारे पत्थर धोए, अन्य अन्य जगह उन्होंने भगवान की सेवा करी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम रोज रोज ऐसे अपना लिए ताली हो जाएगा। हरे कृष्ण ठीक है, ओ मैं ज्ञान तिमिराम दस्य, क्या भजन नहीं हो गया ना, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान जी की। प्रभु जी अभी उसको बंद कर दो, अभी हाथ मत लगा। श्री हनुमान जी की कितने महिमा है। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते एक समय माता सीता जी अपना श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी को तो माता जी समझती हैं ये मेरे बेटा है, हैं हनुमान जी समझती हैं ये मेरी माँ है। अभी अगर माँ किसी घर में हो बेटे को जाने में तो कोई संकोच नहीं। इतने में हनुमान जी सीधा श्रृंगार भवन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते हुए देखा माता सीता जी सिंदूर लगा रही थी और मांग भर रही थी। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कर देख रहे थे, ये भैया ये क्या, बोले भैया ये क्या कर रहे हो, बोले बेटा ये क्या है, एक है एक लाइन सिंदूर है एक बूंद सिंदूर है, बोले ये मैया क्या है, बोले ये सुहाग का चिन्ह है। बोले सुहाग क्या होता है, बोले पति की दीर्घायु के लिए माताएं स्त्रियां ये मांग भरती हैं, उनका दीर्घायु हो अपमृत्यु नहीं हो चिरकाल ये जिंदा रहे इनकी जस सारा दुनिया में फैले, इसलिए माताएं अपना पत्नी के लिए पति के लिए ये सब चीज करते हैं। इसको सुन करके हनुमान जी तो घर से बाहर निकल गए। जब निकल गए इतने में जब माता जी श्रृंगार करके निकल गई इतने में हनुमान जी अंदर में प्रवेश किया और जितने सारे सिंदूर थे सबके सब सारा शरीर में पोत दिया। पोत करके अभी राम दरबार लगा हुआ था, सारे अयोध्या वासी बैठे हुए थे और हनुमान जी वहाँ पर पहुँच गए और हनुमान जी की ये रूप देख करके ना जितने सभासद थे सबके सब ठा लगा करके हा 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 करके सबके सब हंस रहे थे। इतने में बोले देखो ये बंदर, कोई बंदर ने सारा शरीर में ये सिंदूर क्यों पोत लिए, लेकिन भगवान राम को पता है हनुमान जी ने क्यों लगाए। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछे बेटा तुमने ये सारा शरीर में सिंदूर क्यों पोत दिए हो, बोले प्रभु जी मैंने देखा माता जी श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी और मैंने कहा माता जी यह एक बूंद सिंदूर और एक लाइन सिंदूर क्यों लगाए, बोले ये पति की सुहाग के लिए दीर्घायु जस के लिए, अगर मेरे प्रभु था आप ही हो ना, अगर माता जी एक बूंद अगर एक लाइन सिंदूर लगाने पर अगर इसकी इतने जस हो हैं इतने इनकी महिमा बढ़े, मैंने सोचा अगर सारा शरीर में अगर मैं सिंदूर को पोत दूँ तो मेरे प्रभु की कितने सारा विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जय जयकार होगा। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय है। इसको देख करके तो हैं भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए। इसलिए आप कहीं भी देखो हनुमान जी की सारा शरीर में सिंदूर लगा हुआ होता है, बोले क्यों, बोले भगवान के राम की जस के लिए है, सारा शरीर की अपनी सुंदरता को देखा नहीं प्रभु की जस को उन्होंने देखा है। कहते कभी कभी हनुमान और गरुड़ जी में भी कभी कभी युद्ध हो जाता था है लड़ाई हो जाता था। बोले एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे एक दिन गरुड़ का बड़ा अभिमान था, क्या अभिमान था, बोले जितने तेज गति में अगर कोई चल सकता है मैं सबसे तेज गति में मैं चल सकता हूँ और मेरे प्रभु का प्रति कृष्ण का प्रति बड़ी निष्ठा है। एक दिन भगवान जब द्वारका में राजत्व कर रहे थे उन्होंने श्री गरुड़ जी को बोले जाओ तो श्री हनुमान जी किम पुरुष देश में श्री हनुमान जी है उनको जा करके बोलो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी आपको याद कर रहे। इतने में गरुड़ जी आए और हनुमान जी को बोले प्रभु जी कृष्ण और रुक्मिणी
और श्री बलदेव प्रभु आपको द्वारिका में याद कर रहे हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी बोले, मैं उठ नहीं सकता हूँ, शरीर में बड़ा दर्द है, उठने का मेरा हिम्मत नहीं, इसलिए जाना मेरे लिए संभव नहीं। भगवान बुला रहे हैं, बोले भैया जाना मेरे लिए संभव नहीं। इतने में वो वापस आ गए, बोले आपका नाम सुन करके बोले मैं तो उठ नहीं सकता हूँ, शरीर में बड़ा दर्द है, जाने के मेरा हिम्मत नहीं। इतने में कृष्ण ने बोले जाओ अभी उनको जा करके बोलो, अभी द्वारका में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी आपको याद कर रहे हैं। इतना बोला और उनको साथ में लेकर के आना। जब श्री गरुड़ जी आए, बोले द्वारका में आपको प्रभु राम जानकी और लक्ष्मण आपको याद कर रहे, बोले मेरे प्रभु मेरे को याद कर रहे, बोले हाँ, बोले कहाँ, बोले द्वारका में, बोले ठीक है चलो हम चलते हैं। बोले देखो आपको जाने में लेट हो गया, एक काम करो मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ और मैं जल्दी जल्दी आपको द्वारका में पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा अब कोई चिंता मत कर, अब जाओ मैं आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मैं आ रहा हूँ। हे हनुमान जी सुनते ही एकदम पवन का तेज वेग से हनुमान जी द्वारका में पहुँचे। इतने में कृष्ण रुक्मिणी को बोले, बोले तुम बन जाओ सीता, और श्री बलदेव प्रभु को बोले तुम बन जाओ लक्ष्मण। बलदेव तो लक्ष्मण हैं, इसलिए इन्होंने अब भगवान कृष्ण बन गए राम, और वहाँ पर बड़ा सुंदर राम दरबार प्रस्तुत हो गया। और वहाँ पर हनुमान जी आए, प्रभु का दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लेकर के जब वापस आ रहे थे ना, इतने में रास्ता को बीच में देखा गरुड़ जी आ रहे। गरुड़ जी बोले क्या हो गया प्रभु का दर्शन? बोले हाँ प्रभु का दर्शन हो गया, दर्शन करके प्रभु का आशीर्वाद लेकर के मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी सोच रहे थे जगत में सबसे अगर कोई तेज भागने वाला हूँ कौन है, सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं हूँ। लेकिन उन्होंने हनुमान जी की वेग को देख कर बोले वाह वाह रे, इतने तेज गए और इतने तेज वापस चले आए। इसलिए गरुड़ का जो अभिमान था मैं सबसे बड़ा तेज भाग सकता हूँ, उनका सारा अभिमान दूर हो गया। अब लोग महाभारत देखे होंगे, एक समय हनुमान जी बैठे हुए और उनका पूछ बहुत लंबा है। इतने में भीमसेन आए, जब भीमसेन आए बोले बंदर क्यों ये पूछ को लंबा करके बैठे हो, पूछ तो हटा लो, नियम है ना किस चीज़ को लांग करके नहीं जाते हैं। बोले हटा लो। बोले मैं हटा नहीं सकता हूँ। बोले हटा दे कि देखते हो? बोले क्या देखते हो? बोले थोड़ी सी नहीं तो तुम हटा दो। इतने में ही भीमसेन एड़ी चोटी लगा दी, केवल उनकी पूछ को ही हटाने के लिए एड़ी चोटी पूरा लगा दी ताकत को, लेकिन टस से मस तक भी नहीं कर पाए। इसलिए भीमसेन तो लास्ट में गिर पड़ा है, भीमसेन लास्ट में गिर पड़े। इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने भीमसेन का सारे जो अभिमान था ये अभिमान भी चकनाचूर हो गया। एक समय हनुमान के साथ में अर्जुन को भी लड़ाई हो गई, अर्जुन को लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई? एक दिन अर्जुन को साथ में मिलन हुआ हनुमान जी को, और हनुमान जी अपना प्रभु की बड़ी बड़ाई की, बोले मेरे प्रभु ने समुद्र के ऊपर में उनने सेतु को बांध दिया है। अर्जुन कह रहे हैं एक सेतु बांधने के लिए इतने सारे बंदर सैनिक का जरूरत पड़ी, और इतना दिन में पत्थर को ला ला करके फिर उनने सेतु बांधे हैं। अरे मैं होता है ना देख लेता कैसे मैं सेतु बांध देता, मैं कैसे सेतु बांध देता। इतने में हनुमान जी ने कहा देखो तुम तो सेतु बांध देते, लेकिन वो सेतु के ऊपर में ये बंदर न जा ही नहीं सकते थे हैं, इतने बंदर सारे नहीं जा सकते। बोले क्या बोल रहे हो हैं? बोले अभी करके दिखाऊं। इतने में दोनों में तो लड़ाई हो गई। इतने में हनुमान जी ने कहा तुम बांध करके दिखा दो, हम चल करके देखेंगे। इतने में अर्जुन तो अर्जुन है, उन्होंने उठाया गांडी भी, और सचमुच से उन्होंने ऐसे बाण मारे, अर्जुन ऐसे बाण मारे एकदम वज्र जैसे उन्होंने सेतु बांध दिया। हनुमान तो देख करके अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले बाबा हमने बहुत वीर देखा, अर्जुन जैसे बाण मारे तो वज्र जैसे सेतु बंध गया। अभी इतने में हनुमान जी बोले ठीक है अभी मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी सेतु सहन करता है। हनुमान जी गए, अपना विशाल रूप धारण किया
और प्रत्येक रोम रोम में उन्होंने एक एक पर्वत को, उन्होंने एक एक लोम में एक एक पर्वत को धारण किया और विशाल पर्वत को हाथ में धर करके जब बोले अभी मैं सेतु के ऊपर चलता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे सेतु कैसे इसको सहन करता है। अर्जुन देख करके बोले हे भगवान, मैं तो सोच रहा था यही बंदर चलेगा तो कुछ होने वाले नहीं, लेकिन इतना पहाड़ एक एक लोम कूप में और इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने बड़े पहाड़ को उठाए, भैया मेरे सेतु तो टिक नहीं सकता है, तो टूट जाएगी। इतने में श्री अर्जुन अपना प्रभु कृष्ण को स्मरण कर बोले प्रभु मेरी लाज बचाओ, तो मेरी लाज बताओ। इतने में हनुमान भी जब देखा सचमुच से उनने जो तीर से सेतु बनाया ना, वो भी सेतु कम नहीं, वो एकदम वज्र जैसे सेतु था। इतने में हनुमान भी सोच रहा है हे भगवान सचमुच से अर्जुन ने जो सेतु बनाया, प्रभु इधर आ जाओ, प्रभु के आसन दे दो, तो आसन दे। इसलिए उन्होंने जो सेतु बनाए बोले भैया ये तो वास्तव में हाँ ये सेतु तो कोई साधारण सेतु है ही नहीं, सचमुच से तो कुछ होगा नहीं। इधर हनुमान जी प्रभु राम को प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु मेरे लाज को आप बचाओ। और उधर अर्जुन किसको प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृष्ण को, बोले प्रभु आप मेरे लाज बचाओ। इतने में हनुमान जी जब उसने एक प्यार रखा, हनुमान जी हैं एक प्यार जब रखा, रख करके सेतु डगमगाने लग गई, और जो दूसरे प्यार रखने गए ना, इतने में देखा खून की धार बह रही है, खून की धार बह रहा है। बोले ये खून की धार कैसे बह रहा है? इतने में हाँ अर्जुन जब झांक करके देखा, देखा प्रभु कृष्ण स्वयं पीठ लगा कर बैठे हुए। कौन बैठ रहे? भगवान कृष्ण स्वयं अपना पीठ के ऊपर में सेतु में पीठ लगा करके खड़े हुए। इतने में जो हनुमान जी को हनुमान जी ने देखा ये खून की धार कहाँ से बह रही है, देखा भगवान राम से स्वयं सेतु को नीचे भगवान राम भी पीठ लगा कर खड़े हुए। इतने में देखते ही हनुमान जी अपना प्यार को हटा दिया हैं। इतने में फिर तो दोनों का जो अभिमान था, दोनों का अभिमान ठाकुर जी भगवान भक्त वत्सल है, भगवान दोनों का अभिमान को भगवान को भगवान ने रक्षा किया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही श्री अर्जुन ने क्या किया, उन्होंने अपना जो रथ था जिसमें भगवान कृष्ण जो रथ को चला रहे थे, उसी रथ को झंडे में कौन बैठा हुआ है, हनुमान जी। इसलिए इसका नाम कपिध्वज रथ, उसको नाम कहते हैं कपिध्वज रथ है। और वहीं पर हनुमान जी ऐसे जोर से चित्कार करते, चीखते थे, और जितने वीर थे ना अपने आप उनकी चीख सुनकर उनका शक्ति अपने आप ह्रास हो जाता था। और एक समय हैं एक समय अर्जुन ने खांडव वन दहन किया था हैं, इसलिए ये जो जो नागराज जो सर्प है वासुकी का बड़ा क्रोध था अर्जुन के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने पूरा खांडव वन को ध्वंस कर दिया था, बड़ा क्रोध था। इसलिए वो सोच रहा था मैं प्रतिशोध लेगा अर्जुन को, और उसने कर्ण को पास में आकर के तीर रूप में कर्ण को सहारा लिया, बोले तुम अर्जुन को ऊपर में ये तीर को तुम मारना। इतने में बोले पूरा के पूरा मैं अर्जुन को ग्रास कर लूंगा। इतने में जब कर्ण ने अर्जुन को ऊपर में ये बाण मारे हैं, इसलिए जब उन्होंने बाण मारे सर्प की बाण प्रयोग किए, इतने में हनुमान जी ऊपर बैठा हुआ है हनुमान जी, उसने देखा हैं ये जो तक्षक अपना मुंह खोल करके पूरा के पूरा रथ समेत अर्जुन को पूरा के पूरा ग्रास करने के लिए आ रहा है। इतने में जो ऊपर में जो हनुमान बैठा हुआ था, उसने ऐसे उन्होंने अपना प्यार से रथ को उसने दबाया, रथ पूरा के पूरा नीचे चला गया। और वो सर्पत आया वासुकी नाग, लेकिन वो निगल करके केवल उसने ऊपर के झंडा को निगल करके चला गया, लेकिन रथ को निगल नहीं पाया। किसने मदद किया, बोले श्री हनुमान जी ने मदद किया। ऐसे ही हनुमान जी अनंत रूप में भगवान को, अनंत रूप में हनुमान जी भगवान को मदद करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री हैं प्रह्लाद कह रहे हैं, अगर तुम भक्त देखना चाहते हो किसको देखो, श्री हनुमान जी को देखो, प्रभु की कितने तरह से हर तरह से प्रभु को सेवा करने वाले श्री हनुमंत लाल। हनुमान के बगैर ठाकुर जी की कोई भी सेवा नहीं कर सकते, इतना सेवा करते हैं श्री हनुमान जी। जब उन्होंने
हनुमान जी की इतने महिमा बताए। और नारद जी जब श्री हनुमान जी को पास में गए और बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, जब उन्होंने श्री भगवान राम की उन्होंने जय ध्वनि दिया, इतने में देखा श्री नारद जी ऊपर से, नारद जी बिना बजाते बजाते ऊपर से नारद जी उतर रहे थे। और हनुमान जी क्या कर रहे थे, हनुमान जी बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया जब श्री नारद जी आ रहे थे, हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, जब श्री नारद जी सियावर रामचंद्र की जय, कौशल्यासुत रामचंद्र की जय, जब उन्हें जयकार दिया, इतने में हनुमान जी देखा ऊपर से नारद जी बिना बजाते बजाते नारद जी उतर रहे, इतने में हनुमान भी छलांग लगा करके उन्होंने पूरा आकाश में उड़ गए, उड़ करके ऊपर से ही श्री नारद जी को आलिंगन किया और नारद जी को आलिंगन करके वहाँ पर आसन दे करके बैठाए। और जब श्री नारद जी हनुमान की जय जयकार किए, इतने महिमा गाए और हनुमान जी तो अपना महिमा सुन करके संकुचा गए, क्योंकि ये भक्तों का लक्षण है। क्या लक्षण है, कहते अपना प्रशंसा कभी खुद नहीं करनी चाहिए, ये एक चीज़ है, कभी अपना प्रशंसा कभी खुद नहीं करनी चाहिए हैं, और दूसरी यह है अपना प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए। हनुमान जी तो परम वैष्णव है, परम भक्त है, जब उनकी महिमा को गाए हनुमान जी संकुचा गए हैं, संकुचा करके इतने में हनुमान जी प्रेम में विभोल हो गए, रोने लग गए हनुमान जी, रो रो करके कहते हैं आप कह रहे हो मैं भगवान के प्यारे भक्त हूँ, मैं भगवान की भक्त नहीं हूँ। बोले कैसे, बोले जिस समय भगवान राम हैं जब ये दुनिया छोड़कर गए अपना सांकेत धाम में, आप देखना सबको लेकर चले गए, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर के वो चले गए, लेकिन सबको तो लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को नहीं लिया, किसको नहीं लिया, हनुमान को नहीं लिया। बोले क्यों नहीं लिया हनुमान को, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं अगर मैं भगवान का प्यारा होता तो भगवान मेरे को भी अपना साथ में ले चलते, लेकिन मेरे को अकेला रख करके चले गए और सबको लेकर ठाकुर जी अपना धाम में सबको लेकर के चले गए हैं, इसलिए मेरे ऊपर में ठाकुर को प्रेम नहीं। हाँ, ये जो हनुमान जी ये बात कह रहे हैं, कहते ये इनकी दीनता है, इनकी दीनता, प्रभु इनको क्यों रख कर गए। बोले हनुमान अगर तुम भी मेरे साथ में चले आओगे फिर मेरे बाद में ये जगत में राम भक्ति को कौन प्रचार करेगा, मेरे को कौन पहचानेगा, अगर मेरी कथा प्रचार नहीं होगा तो फिर जगत में लोगों को मेरी महिमा पता कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने भगवान की विरह को सहन करते हुए भी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस जगत में रह गए और रह करके सर्वत्र उन्होंने भगवान की कथाओं को जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, प्रभु का आदेश ही बलवान है, प्रभु का
आदेश, प्रभु का प्रसन्नता किसी चीज में, ये चीज को देखो। अगर प्रभु चाहते जगत में भगवान की जस प्रचार हो, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हम लोगों ने देखा हमारे जो गुरुवर्ग है ना, धाम को जितना महत्व दिया उससे ज्यादा महत्व दिया भगवान कथा को। जैसे मेरे गुरुदेव थे, जैसे एक कलकत्ता में मठ है, एक नवद्वीप में मठ, एक पुरी में मठ। इसलिए गुरुदेव पुरी धाम है लेकिन केवल एक महीना रहते थे, नवद्वीप धाम है केवल एक महीना रहते थे, कलकत्ता कोई धाम नहीं वहां पर 10 महीना रहते थे गुरुदेव, 10 महीना वहीं रहते थे। श्री प्रभुपाद जी नवद्वीप में और श्री मायापुरी में और पुरी में ज्यादा समय नहीं, केवल रथ यात्रा का समय आते थे और ज्यादा नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? कलकत्ता में रहते थे, दूसरे दूसरे जगह पर रहते थे। बोले कारण क्या है? कारण है जहां पर प्रभु की कथा प्रचार हो, जहां पर भगवान की कथा दुनिया में प्रचार प्रसार हो, लोगों के पास से भगवान की मैसेज पहुंचे, ये चीज को महत्व देते थे हमारे गुरुवर्ग लोग हैं। भगवान की कथा जहां कैसे प्रचार जगत में, प्रभु का वाणी प्रचार हो, क्योंकि महाप्रभु का यही भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचेजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। भगवान का यही भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी की गली गलियों में, शहर शहर में मेरा नाम गूंज उठेगा और सब के सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। इसलिए सर्वत्र मेरे नाम प्रचार हो, ये गुरुवर्गों का भावना है हैं। इसलिए हनुमान जी केवल भगवान की कथा को प्रचार जगत में करने के लिए इस जगत में उन्होंने रहे, और हनुमान की वजह से जगत में जितने राम भक्ति जगत में प्रचार प्रसार हुई, किसकी कृपा से? बोले श्री हनुमान जी की कृपा से। और जहाँ जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, प्रभु का कथा होती है, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए सर्वत्र जा जा करके प्रभु की कथा गदगद होकर के प्रभु की कथा सुनते हैं, भगवान की महिमा को सुनते हैं। इतने में हनुमान जी रोने लग गए, दुखी हो गए, दुखी होकर के कहते हैं, तुम कहते हो मैं राम का सबसे प्यारा भक्त हूँ, मैं राम का प्यारा भक्त नहीं हूँ भगवान की। हाँ, अगर तुम भक्त देखना चाहते हो, बोले कहाँ पर तुम चले जाओ? बोले तुम चले जाओ पांडवों के पास में हैं, ये पांडवों के ऊपर में भगवान की विशेष कृपा, पांडवों के ऊपर में। वो उदाहरण देते हैं सुमेरु जैसे सुमेरु पर्वत जैसे, ऐसे ही भगवान की जो कृपा ये पांडवों के ऊपर में भगवान की विशेष कृपा। मैं तो यहाँ पर क्या करता हूँ, भगवान को सेवा में करता हूँ, लेकिन वहां जाकर के देखोगे बोले के बापा बे वा के पार प्रेम न दिया के सदा उल्टी बहे धार। इसलिए वहां पर देखोगे प्रेम न दिया के सदा उल्टी बहे धार, वहां कहां कृष्ण प्रात पर तत्व परम ब्रह्म भगवान है भगवान, लेकिन होते हुए भी आप देखोगे उल्टा, यहाँ तो मैं भगवान को सेवा करता हूँ, वहां जाकर के देखोगे ना ठाकुर जी भक्तों को सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी भक्तों को सेवा, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। इसलिए तुम चले जाओ पांडवों के पास में जाकर के देखो उनको ऊपर में कितने कृपा है। इसलिए यहाँ पर उन उदाहरण देते हैं, जैसे भीम, अब महाभारत देखे होंगे, जब भीम छोटा बच्चा था ना, वो पेटू था, खाने में है, वो खाने में बड़ा रुचि रखता था, इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, खीर में विष मिला करके अर्जुन को खिला दिया भीम को, और उसने पानी में उसको फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, लेकिन फेंक दिया तो पानी में, लेकिन वो पानी में जाते जाते जब पाताल लोक में गए, वहां पर जब नाग कन्या ने देखा, देख करके हनुमान का शरीर एकदम पुष्ट हृष्ट पुष्ट शरीर था, जिसको देख करके मुग्ध हो गया, उसने उसको जो जहर चला गया था उसने सारे जहर को ले लिया, ले करके उनको वहां पर जब लिए, बोले तुम कौन हो? बोले मैं पांडु पुत्र हूँ। बोले हो इनको साथ में तो हमारी मित्रता थी। फिर उन्होंने उनको अमृत जो वहां पर कुंड था, बोले ये अमृत कुंड को पियो, और भीमसेन ने पेट भर कर खूब अमृत कुंड को पिया, और जब वापस आया ना वो पहले जितना बलवान था, और जैसे शरीर था जो वापस आया, कितना हाथी, हजार हाथी का ताकत को लेकर के आया, लेकिन 10,000 हाथी का ताकत लेकर के वापस आया, लेकिन उसको दुर्योधन ने उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन वहां पर क्या हो गया, वहां पर
उल्टा हो गया वहां पर हैं। इसलिए कहते श्री जतुगृह में दुर्योधन ने क्या किया, जतुगृह बनाया, लाक्षागृह ये पास में ना आपका, हाँ इसे लाक्षागृह बनाए कल ये पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आग तो लगाए लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं, वहां पर सुरंग बना दिए। अब बना करके कहाँ निकले, और निकले तो द्रुपद राजा को राज्य में निकले, वहां पर स्वयंवर सभा हो रही थी, और स्वयंवर सभा में द्रुपद महाराज का क्या प्रतिज्ञा था, नीचे रहेगा तेल की कढ़ाई, ऊपर में मछली घूमेगी, नीचे परछाई को देख करके उसको आंख में तीर का निशाना लगाना पड़ेगा, वही द्रौपदी को साथ में शादी करेगा, जिसको कोई भी नहीं कर पाए। किसने कराया, अर्जुन ने किया, किसकी कृपा से, कृष्ण की कृपा से। वहां पर कर्ण, वहां पर कर्ण भी था, कर्ण साधारण बलवान नहीं है, वो कर सकता था, लेकिन कृष्ण द्रौपदी को इशारा किया, बोले देखो मना कर दो, ये सुत पुत्र से मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए लक्ष्य भेद को किसने किया, अर्जुन ने किया, और द्रौपदी की वरमाला को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए किसकी, कृष्ण की कृपा से इन लोगों ने, कृष्ण की कृपा से उन्होंने सबके सब प्राप्त किया है, हैं? इसलिए यहां पर कह रहे हैं, और भगवान हैं, भगवान किसको घर में रहते थे, पांडवों के घर में कृष्ण रहा करते थे, पांडवों घर में रहते थे, और जब इनके घर में भगवान रहते थे, सवेरे जा करके देखो पांडवों के घर को बाहर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का लाइन लगी रहती थी, कब हमारी कृष्ण को थोड़ा दर्शन मिलेगा। लेकिन जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए ऋषि लोग सवेरे देखते थे, एकदम लंबी लाइन लगती थी, लेकिन भगवान कृष्ण जिनके घर में बैठ करके उनके साथ में हंसी दिल की पासा खेलते थे, और उनको साथ में मित्रता की स्थापन था। इसलिए कहते हैं वहाँ कृष्ण वहाँ रहने का नाते पूरा उनका जो राज्य तीर्थ भूमि रूप में परिवर्तन था, है तीर्थ भूमि रूप में। इसलिए कहते हैं ये पांडव लोग अगर शांति दूत रूप में, कौन गया था शांति दूत रूप में, कृष्ण गया था। बताओ ये दूध का काम कौन करता है, दूध का काम कौन करता है, साधारण व्यक्ति दूध का काम करता है, लेकिन कृष्ण स्वयं अंतिम चेतावनी देने के लिए बोले एक मौका दे दो, और शांति दूत बन करके प्रभु गए पांडव का, बोले देखो पांडवों का ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल पांच गांव दे दो, इसी में संतुष्ट रहेंगे, और सारे राज्य को तू भोग करो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला, बगर युद्ध के सुई के बराबर के भी मैं जमीन देने के लिए मैं तैयार नहीं है। और लास्ट में भगवान कहां पर गए, विदुर के घर में गए, और वहीं पर जाकर के ठाकुर जी केले का छिलका, ठाकुर जी केले का छिलका खाए। इसलिए पितामह भीष्म जब भगवान को स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते करते कहते हैं प्रभु बोले विजय सखे रति मस्तु में अनबद्या, हे प्रभु मेरे को ये कृपा करो, विजय अर्जुन का एक नाम विजय है, और उनका सखा कौन है, बोले ये कृष्ण है, बोले हे प्रभु मेरी जो प्रीति सख्य किसको साथ में हो, बोले अर्जुन का जो सखा है कौन है, बोले कृष्ण, कहते उनके चरण में मेरे मति रहे। बोले क्यों, उनका चरण में मति क्यों रहे, देखो क्या कारण है, उनने क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जुन का सखा जो कृष्ण उनको साथ में मित्रता क्यों हो। देखो भगवान कितने बड़े भक्तवत्सल हैं, ठाकुर जी कितने बड़े भक्तवत्सल ठाकुर जी। एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म को जाकर के बड़ी उन्होंने गाली गलौज किया, क्योंकि पितामह भीष्म वो थे जो कुरु जो पांडव में युद्ध हो रहा था वो इनके सेनापति हैं, दुर्योधन का पक्ष में ये थे सेनापति, इसलिए सेनापति होने का नाते। लेकिन उन्होंने क्या बताए, बोले सबको तो मैं मारूंगा लेकिन पंच पांडवों को मैं नहीं मारूंगा, इनको नहीं मार सकता, सबको मैं मार सकता हूँ, लेकिन दुर्योधन का असली जो शत्रु कौन है, पांडव तो इनका शत्रु है, लेकिन अर्जुन इतने सैनिक को मार रहा था, भीम एक एक भाई दुर्योधन का 10-10, 15-15, 20-20 भाइयों को एक एक दिन भीमसेन मार रहा था। एक दिन दुर्योधन को तो ताव आ गया, और पितामह भीष्म को जा करके उन्होंने खूब गाली सुनाई, बोले पहले अगर पता चलता पांडवों को नहीं मारोगे ना, हम तो आपको सेनापति पद में नियुक्त नहीं कर सकते, करते थे,
अब आप रहे थे, देखो हमारे भाइयों को कैसे भीमसेन मार रहा है, अर्जुन कितने सैनिक को मार रहे हैं, बेकार आपका हमने सेनापति पद में नियुक्त कर दिया, हम सब बेकार हो गया। इतने में पितामह भीष्म का आ गया, ताओ बोले ठीक है कोई चिंता मत करो, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं कल पांच पांडवों के लिए पांच में बाण मनाऊंगा और पांच बाण से उनको मैं खत्म कर दूंगा। अभी पितामह भीष्म ने पांच बाण बना दिया, जो पांच बाण बनाए, लेकिन ये बात किसको पता है? पांडवों को पता नहीं है, अंदर की बात है, लेकिन किसको पता है? कृष्ण को ये सारे बात पता है। इसलिए युद्ध से पहले माँ कुंती पांडवों को ला करके कृष्ण को चरण में सौंप दिया, बोले कन्हैया मैं अपना पांच बच्चों को तेरे को दे रहा हूँ, अभी मेरे पांच बच्चों को तू रक्षा करना। कृष्ण प्रतिज्ञा किया, बोले बुआ जी विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा लेकिन तुम्हारे बालक का एक बाल भी बंका होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मेरे शरण में। अभी देखो भगवान कितने भक्त वत्सल, अगर कोई ठाकुर का चरण में शरणागत हो जाए भगवान कैसे भक्तों को रक्षा कर रहे हैं। घमासान युद्ध दिन भर है और सबके सब शिविर में एकदम मरा जैसे पड़े हुए, दिन भर युद्ध करते करते थके हुए एकदम मरे जैसे सबके सब पड़े हुए, क्योंकि दूसरे दिन फिर सवेरे उठ करके फिर युद्ध होगा, सब मरे पड़े हुए। पांडव एकदम बेहोश होकर सो रहे हैं, लेकिन सारा दुनिया तो सो रहे हैं लेकिन कृष्ण को नींद नहीं है, कृष्ण को नींद नहीं, कृष्ण नहीं सोए हुए। और कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता में हो जाए ना, देखना नींद नहीं आती, ज्यादा चिंता हो जाए, कृष्ण क्या कर रहे हैं? घर से उधर जा रहे, उधर से इधर जा रहे, इधर से उधर, कृष्ण बेचैन, कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? पांडवों को मैं रक्षा कैसे करूंगा, क्योंकि गीता में मैंने ही प्रतिज्ञा की, बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं है। अभी कृष्ण प्लानिंग कर रहे, नींद नहीं आ रही, कृष्ण छटपट छटपट, देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान छटपट प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में जा करके अर्जुन को, सो रहा था एकदम बेहोश होकर के, अर्जुन को हाथ पकड़ के बोले अर्जुन अर्जुन उठ पार्थ उठ। अर्जुन कह रहा है क्यों मेरे को तंग कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते परेशानी होकर सो रहा हूं, कल सवेरे उठ करके पहले युद्ध करना पड़ेगा, तुम मेरे को सोने नहीं दे रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? बोले अर्जुन अभी सोने का समय नहीं। बोले क्या हो गया? बोले पितामह भीष्म ने पांच बाण बनाया और कल तुमको पांच को मार देंगे। बोले अच्छी बात है, मर जाएंगे तो न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा, कृष्ण का पांच भक्त थे और पितामह भीष्म ने उनको मार दिया, कल न्यूज पेपर में आ जाएगा परसों। बोले यही तो चिंता है, हैं? यही तो चिंता, मैंने प्रतिज्ञा की मेरे भक्तों का विनाश नहीं, फिर मेरे प्रतिज्ञा में पानी भर जाएगा, मेरे भक्त लोग मर जाएंगे, इसलिए तो इसीलिए मेरे को तो नींद नहीं आ रही, उठो अभी सोने का समय नहीं, जोर जबरदस्ती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राखे जिनी बालक राखे मेहतारी, भगवान कैसे भक्तों को रक्षा करते, जिनी बालक राखे मेहतारी, हाँ जैसे माँ एक बालक को अपना बालकों को रक्षा करते हैं, ऐसे ठाकुर ही अपना भक्तों को ऐसे ही रक्षा करते हैं। अर्जुन को जोर जबरदस्ती उठाए, बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको याद है दुर्योधन तुमको एक वरदान दिया था। बोले कब? बोले जिस समय तुम लोग वनवास में थे उसी समय दुर्योधन और कर्ण दुशासन ये मिल करके तुम तीनों को अपमान करने के लिए गए थे, हैं? तुम तीनों को अपमान करने के लिए गए थे। इतने में इसको देख करके अर्जुन कौन है? इंद्र का पुत्र, इंद्र का पुत्र अर्जुन। इतने में ये चीज को इंद्र देख करके मेरे बच्चों को ये तंग करने के लिए आए, एक तो वनवास में फिर ये उनको तंग करने के लिए आए, हंसी मजाक उड़ाने के लिए आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंधर्व को भेज दिए, गंधर्व को भेज दिया तो गंधर्व लोग आए और युद्ध करके और बंदी बना लिया, किसको? दुर्योधन को बंदी बना दिया। हर बंदी बना करके दुर्योधन को पकड़ करके ले जा रहे थे, जब ले जा रहे थे एक दूत ने आकर के श्री युधिष्ठिर महाराज को बोले महाराज महाराज ये गंधर्व लोग आए और दुर्योधन को बंदी बना करके ले जा रहे हैं स्वर्ग में। बोले इतना साहस, मेरे भाइयों को कैसे बंदी बना करके ले जाएंगे? इसलिए उन्होंने
अर्जुन को भीम को बोले जाओ उनको बंदी से छुड़ा करके लाओ। बोले क्यों हम जाएंगे, एक तो हमको वनवास में भेज दिया, दूसरे फिर हमको अपमान करने के लिए ये लोग आए थे, गंधर्व के साथ में हमारा क्या शत्रुता, क्यों उनको साथ में युद्ध करने के लिए जाएंगे। अच्छा है उनको बांध करके दुष्टों को ले जा रहे हैं, ये हमको अपमान करने के लिए आया था वनवास में, फिर अपमान अच्छा हुआ बंदी बना कर ले जा रहे हैं। इतने में देखो युधिष्ठिर महाराज, इनका नाम क्या है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या है, युद्ध अवस्था में भी जिनका बुद्धि स्थिर रहता है, युद्ध अवस्था में क्या रहता है, मरना नहीं तो मारना, लेकिन उसी अवस्था में भी इनका बुद्धि स्थिर, इसलिए इनका नाम अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब क्या, जिसका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया, कभी दुनिया में कोई इनके शत्रु नहीं। दुर्योधन को ये दुर्योधन नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, सूर्योधन बोलते थे। दुशासन को दुशासन नहीं सुशासन बोलते थे, मतलब ऐसे श्री युधिष्ठिर महाराज। तब उन्हें बोले देखो ये हमारे घर की बात है, लड़ाई हमारे घर की बात है, अगर कोई बाहर से अगर कोई हमको आक्रमण करेगा, हम एक साथ में पांच भाई नहीं, वो सौ और हम पांच, 105। अगर कोई बाहर से कोई शत्रु अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे, उसी समय में दोनों मिल करके उनको साथ में युद्ध करेंगे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई हमारे घरों ही बात है, इसी समय में हमारे भाई के ऊपर में कोई दूसरे आकर के आक्रमण करके उनको ले जा रहे हैं, अगर तुम लोग नहीं जाओगे ना मैं जाता हूँ। फिर इतने में अर्जुन गया और अर्जुन गंधर्व को साथ में युद्ध किया, युद्ध करते हुए उन्होंने गंधर्व को परास्त किया, परास्त करते हुए उनका जो बंदी से मुक्त कर दिया, जो मुक्त कर दिया ना गंधर्व लोग को बांध कर ले जा रहे थे, इतने में आकाश से उसको फेंक दिया, दुर्योधन को जो फेंक दिया, अभी क्या वो तो मर जाएगा। इतने में अर्जुन ने ऐसे बाण मारे और बाण से ना सीढ़ी बन गई, और दुर्योधन लुढ़कते 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 सीधा उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज का चरण तक उन्होंने लुढ़कते लुढ़कते उनके चरण में आकर गिरे। इतने में दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोले अर्जुन अगर आज तू नहीं होता है ना, आज तो मेरे को ये बंदी बनाकर ले जाते, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, आज तू जो कुछ वर मांगोगे आज मैं सो देने के लिए तैयार, तू मांग ले तू क्या चाहते। अर्जुन ने कहा समय होने पर मैं आपसे मांग लूंगा, अभी नहीं। इतने में कृष्ण अर्जुन को याद कराया, बोले देखो याद है दुर्योधन कहा था वर देने के लिए, बोले हाँ, बोले जाओ एक काम करो, बोले क्या, बोले दुर्योधन को पास में जाओ, उसका जो ड्रेस है ना कभी ड्रेस मांग करके ले आओ, बस सारे काम हो जाएगा। उन्होंने दुर्योधन को पास में पहुंचा और दुर्योधन तो घबरा गया, कि उनको पता है पितामह भीष्म ने पांच बाण बनाया ये पांच पांडवों को मारने के लिए, उनने सोचा हो ना हो ये पांच बाण तो मांग करके नहीं लेगा, तो डर गया। बोले तुमने जो बताया था मेरे को वर देने के लिए अभी जरूरत, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए केवल तुम्हारी वस्त्र दे दो। दुर्योधन चैन की श्वास आई, बोले बच गया हैं, बोले भैया जा ड्रेस तो ले जा, कोई बात नहीं तू ड्रेस लेकर चले जा। लेकिन इतने में जब ड्रेस ले आए पिता, ये कृष्ण ने कहा ये ड्रेस को तू पहन ले, ड्रेस को पहनी करके और चलो मेरे साथ में जा करके पितामह भीष्म के शिविर में चलना, और तू एक काम करना अपना गला को, वो ड्रेस ऐसे है ना, वो ड्रेस को देख करके रात था ना, वो ड्रेस को जो देखेगा पता चलेगा भाई अमुक व्यक्ति है, हैं अर्जुन पहन लिया ड्रेस, और तू थोड़ा गला की हैं थोड़ा टून को चेंज करके थोड़ी दुर्योधन की गला से बोल देना पितामह भीष्म आप क्यों मारोगे, आपने बताया था पांडवों को मारोगे नहीं, मारोगे तो आपकी बदनामी होएंगे, बोले आपको पुत्ते को आपने मार डाले, इसलिए एक काम करो ये पांच बाण मेरे को दे दो मैं ही मार दूंगा, बस पांच बाण ले आओ। बस अर्जुन गया और टोन बदला करके अपना पांच बाण को लेकर चला आया। जब चला आया थोड़ी देरी बाद में दुर्योधन आया, जब दुर्योधन आया इतने में पितामह भीष्म ने कहा तू मेरे को बचा दिया, पंच पांडव को मारने से तुमने बचा दिया, अच्छा किया तूने पांच बाण को ले लिया। बोले कौन सा पांच बाण, बोले क्यों अभी अभी तू आया था ना, अभी अभी तो तू लेकर के आया, अभी अभी तू लेकर गया ना, तेरे ड्रेस पहना हुआ तो तू तो लेकर गया। बोले ओ ये अर्जुन नहीं, ये सारे काम को अर्जुन ने कर डाला, इसलिए मेरे से उसने ड्रेस लेकर के आया। देखो भगवान कृष्ण क्या नहीं करते हैं भक्तों के लिए हैं। इतने में एक दिन दुर्योधन भी
फिर पितामह भीष्म को उल्टा सीधा बात सुनाई सुनाई तो पितामह भीष्म ने कहा ठीक है एक काम करो। बोले क्या है? बोले तुम्हारी पत्नी जो भानुमती है तो भानुमति को मेरे पास में एकदम सवेरे सवेरे ले आना, जब मैं भजन करके मैं उठूंगा फिर मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव, तुम अखंड सौभाग्यवती बन जाओ। पत्नी कब अखंड सौभाग्यवती बनेगा? जब पति जिंदा हो। पति अगर मर गया तो उसका अखंड सौभाग्यवती खत्म। मैं तुम्हारी भानुमति को आशीर्वाद दे दूंगा बात तू अजर अमर हो जाओगे। लेकिन ये बात किसको पता है? केवल कृष्ण को पता। ये अंदर की बात और किसको पता ही नहीं, केवल कृष्ण की बात पता है। अभी कृष्ण को भी चैन नहीं, कृष्ण को भी नींद नहीं आ रहा है, वो प्लानिंग कर रहे पंच पांडव सब सोए हुई है, प्लानिंग प्लानिंग में लगे हुए हैं, कैसे बचाओ कैसे बचाओ कैसे बचाओ। इतने में कृष्ण ने क्या किया, इंद्र, इंद्र कौन है? अर्जुन का पिताजी इंद्र है। इंद्र को आदेश दिया ऐसे घना घोर बारिश करो, ओले गिराओ जैसे हाथी के सूंड के जैसे बारिश वर्षा करना शुरू कर दो, बारिश करो हैं। इतने में इतने जोर से इंद्र बारिश बरसाया, बारिश चारों तरफ पानी पानी, बारिश घना घोर बारिश हो रही आंधी तूफान। दुर्योधन ने कहा भैया क्या कैसे जाऊं, भानुमति के लेकर कैसे जाओ अंधकार में इतने बारिश हो रही। बोले भैया अपना घर की बात है, कल भानुमति को ले जाऊंगा, घर बारिश हो रही कल ले जाऊंगा, घर की बात आज नहीं ले पाया। कृष्ण इतने में द्रौपदी को पास में, द्रौपदी जल जल निकालो। बोले प्रभु इतने बारिश में कहा? बोले ये बात मत कहकर तो अभी साड़ी पहनो आओ मेरे साथ में निकलो। उन्होंने द्रौपदी को ले आए, बोले रथ में बैठो, रथ में बैठा करके और सीधा ले गए कहाँ पर, श्री पितामह भीष्म के पास में, घनाघोर बारिश हो रही है। बोले तुम्हारी जुत्ती मेरे को दे दो, क्योंकि जुत्ती ऐसे है देख कर पहचान लेते हैं। कृष्ण उसका जुत्ती को अपना बगले में दगा दिया, देखो भगवान क्या करे, जुत्ती को अपना बगले में दबा दिया। बोले प्यार को दबाते हुए धीरे धीरे चलना, और तुम अपना घूंघट को बड़ा ज्यादा घूंघट को थोड़ा बड़ा करके उघाड़ना, क्योंकि पितामह भीष्म का आज कौन आने वाले, भानुमति, उनको पता नहीं द्रौपदी आने वाली है। अब घूंघट को इतने ज्यादा थोड़ा घूंघट को निकाल करके जब वो भजन से उठेंगे तुम प्रणाम करना, जब प्रणाम करेंगे पितामह भीष्म तुम्हें आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती भव, जब ये वरदान देंगे ना फिर तुम घूंघट को फिर उतारना, फिर उतारना, फिर पिताजी को बोलना पिताजी आप मेरे को आशीर्वाद दिए हो अखंड सौभाग्यवती भव, मैं कब अखंड सौभाग्यवती बनूंगी, जब मेरे पति जिंदा रहेंगे। ये वाक्यों का आपको पालन करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे किया तो इतने में पितामह भीष्म के पास में गए, जब उन्होंने वरदान दिया ना अखंड सौभाग्यवती भव, इतने में द्रौपदी घूंघट को निकाली। पितामह भीष्म बोले तू द्रौपदी तू कहां से आ गई, तू कहां से आ गई, मैं तो बोला था भानुमति वाले के लिए। बोले तेरे को साथ में कौन आए? बोले वही नटखट करने आए, मैं तो मतलब वही सोच रहा हूं, ये बात किसी को पता नहीं, केवल दुर्योधन के सिवाय किसी को पता नहीं। इसलिए यहां पर कौन बोल रहे, ये हनुमान जी कह रहे हैं कृष्ण कैसे ये पांडवों की कैसे उन्होंने सेवा की है। कभी कभी पांडव लोग जब सहन करते हैं कृष्ण स्वयं चौकीदारी करते हैं, कृष्ण स्वयं चौकीदारी करते हैं, पांडव सो रहे हैं कृष्ण धनुष लेकर के, कृष्ण स्वयं चक्र लेकर के पहरादारी कर रहे हैं, मेरे भक्त लोग सहन कर रहे हैं, मेरे भक्त लोग उनकी राजस्व यज्ञ में सबके सब जितने बड़े से बड़े सेवा सबके सब बांट लिया, लेकिन दो सेवा बाकी रह गया जो सबसे घटिया सेवा, खाने का बाद पतल कौन उठाएगा और जो ब्राह्मण लोग का चरण कौन धोएगा, ये दो सेवा बाकी रह गया। कृष्ण ने कहा ये सेवा मैं करूंगा, मैं पहले ही सोच लिया ये सेवा मैं करूंगा। इसलिए कहते ना सबसे ओचे प्रेम सगाय, सबसे ओचे प्रेम सगाय, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए ओ, साग विदुर घर खाए, सबसे ओचे राज सुय जग जुधिष्ठिर के
झुटन पतल उठाए जो पतल उठाए सबसे 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 श्री भक्तवत्सल भगवान की बोले श्री पंच पांडव की बोले श्री हनुमत लाल की। अरे हम कल सुनेंगे क्या हुआ। देखो कल से है ना हम फिर अपना टपी को बदला देंगे क्योंकि कल से कार्तिक महीना कल से शुरू होगा। कल जो सवेरे हम लोग को भागवत कथा सुन रहे थे बच्चों के लिए मैं तो अलग दे दूंगा। कल एक दामोदर अष्टक है गुरुदेव ने जिसको जिसका टीका गुरुदेव ने अच्छे तरह से लिखे और ये जो दामोदर अष्टक कैसे कृष्ण मक्खन चोरी करते थे कैसे मैया उनको उखल में कैसे बांध दिए हैं इसको पूरा अष्टक है। कल सवेरे इसी अष्टक को कल हम सवेरे रोज रोज थोड़ी थोड़ी वो अष्टक को सुनेंगे और शाम को जो 84 जो ब्रजमंडल परिक्रमा की कथा है वृंदावन में कृष्ण कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लीला की है वो लीला कथा को शाम को हम भगवान की लीला कथा 84 ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे कथा सुनेंगे कथा के द्वारा हम लोग परिक्रमा करेंगे ठीक है। इसलिए कल से नियम सेवा है कार्तिक मास दामोदर व्रत और अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। इसलिए कल से सबके सब कोशिश करना मंगल आरती में आने के लिए। हाँ और सबके सब हाँ जो दीपक देने का जो महत्व है यहाँ पर दीपक लाया है ना इसलिए जो कार्तिक महीना में जो दीप देने का जो महिमा बहुत महिमा है हैं इतने महिमा दीप दान देने का कहते रुक्मिणी सत्यभामा ने कार्तिक में दीप दान दिया था इसलिए ठाकुर की पटरानी बने। जो दीप दान देते हैं उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होता है उनका वंश में हर समय दिया उसी वंश में हर समय दिया प्रज्वलित रहती है। धर्म अर्थ काम मुख्य हम कल सुनेंगे हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी विभिन्न पुराण में भगवान को दीप दान देने का और उसका जो दीप का हम जो लेते हैं ना उसका जो क्या लेते हैं बलाई लेते हैं उसका कितने महिमा है इतने श्लोक है कल ये सब कथा हम कल सुनेंगे। इसलिए आप लोग कल सबके सब कोशिश करना मंगल आरती में एक महीना तक सबके सब मंगल आरती में आना ठीक है ना सबके सब मंगल आरती में आना और ठाकुर जी को प्रदीप देना और शाम को सबके सब अपना अड़ोसी पड़ोसी और जितने सारे भक्त लोग हैं आज तो जनार्दन प्रभु ने सबको जा करके निमंत्रण दे करके आए इसलिए सबके सब कल आना और विशेष करके वो नियम सेवा मतलब महीना में जितने हरि नाम करते थे उसे थोड़ी सी ज़्यादा करना हैं और थोड़ी सी कम सोना जितने सोते थे थोड़ी सी उससे कम सोना और ज़्यादा भक्ति करना कि राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु इस महीना में थोड़ी सी कोई भक्ति करते राधा रानी प्रसन्न होकर के अपना भक्ति प्रेम को राधा रानी प्रदान करती है ठीक है ना। इसलिए हमारे नवीन प्रभु जी अब थोड़ी सी कुछ सुना था तैयार किया होता ले लो माइक ले उसको वहीं पर रख लो सर। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण वसुमृति नामिने सर्वप्रथम अपने गुरुदेवत्व लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम है। उसके उपरांत ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। देखिए रास का हम सबने श्रवण किया रास शब्द रास का मतलब होता है रस का आदान प्रदान। जब समुच्चय के अंदर रस को आदान प्रदान किया जाता है उसे रास बोलते हैं। अभी यहां पर रसमयी रास की गंगा प्रवाहित हो रही है श्री गुरुदेव के माध्यम से उनके मुखारविंद से श्री गुरुदेव की बड़ी गोपनीय गोपनीय कथा महाराज श्री बता रहे सुना रहे जिससे कि हम सब जग जाए
सोते से जग करके हमारे नाम में प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि ये जीव मात्र का अधिकार है हरि की भक्ति करना। जिस प्रकार से हम बिना वायु के, बिना जल के, बिना अन्न के रह नहीं सकते, हम सबका अधिकार भगवान ने यहाँ पर इस जगत में प्रदान किया खाने पीने की। इसी प्रकार से ये सब तो एक बार छूट भी जाए, लेकिन आत्मा बिना प्रेम के रह नहीं सकती। तो उस आत्मा के लिए ही जो अभी बद अवस्था में है, उसको बार बार जागृत करने के लिए श्री गुरुदेव, वैष्णवगण और हमारे गुरु परंपरा निरंतर प्रयासरत है। और हम इतनी शुद्ध गुरु परंपरा में हैं, जिसको अभी चाहे हम ना भी समझे, सिर्फ श्रवण करते रहे, तो आगे चल के हमें समझ में आएगा कि गुरुदेव इतनी अनमोल वस्तु हमें प्रदान कर रहे हैं, जिनका इस जगत में कोई मोल लगा ही नहीं सकता। तो अभी बृहद भागवतम चल रही है। बृहद भागवतम श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। जब परीक्षित महाराज ने कथा श्रवण की थी श्रीमद भागवत कथा शुक्रताल में, और वहां से श्री सुखदेव गोस्वामी जी प्रस्थान कर गए, उनको कथा श्रवण करके करा करके कि अब तुम अजर अमर हो, तुम्हें मृत्यु का भय खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी तुम्हें कथा अमृत पिला दी कि जो साधारण देवताओं के पास अमृत है वो बड़ा तुच्छ है इसके सामने। जब देवतागण आए थे और श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करके निवेदन किया था कि परीक्षित को सिर्फ जिलाना ही तो है, इसको बचाना ही तो है, आप ये अमृत प्रदान कर दें और ये परीक्षित बच जाएगा और ये कथा हमें प्रदान करें, तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने उनकी हंसी उड़ाई, हंसी की थी कि तुम देवता इसके बिल्कुल भी अधिकारी नहीं। अधिकारी एकमात्र वह है जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जिसके हृदय में जो है भगवान के पाने की चाह हो। तुम्हारे हृदय में तो कामना ही कामना। हम लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवता जिस प्रकार से स्वर्ग में आनंद का उपभोग करते हैं, हम इस मृत्यु लोक में उस आनंद की खोज कर रहे हैं, जबकि वो आनंद बड़ा तुच्छ और बड़ा ही हेय है, क्षणिक है। उस क्षणिक आनंद को प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन जो है पूरा खराब कर देते हैं। तो यहां पर बृहद भागवतम में वह जो परीक्षित महाराज को सुंदर सुंदर कथाएं श्रीमद भागवतम में समूह कराई थी, वही परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को ये सरल भाषा में समझाया। श्री नारद जी एक बार प्रयागराज में पहुंचे, वहां साधुओं का बहुत बड़ा सुंदर संघ था और वहां पर यह चर्चा चल पड़ी कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से इतने दिनों में धीरे धीरे क्रमानुसार बताया कि किस प्रकार से उन साधुओं ने बताया कि यहां कोई ऐसा भक्त हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो श्री नारद जी को ये बताया, ये बीड़ा उठाने का जिम्मेवारी दी गई कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त को ढूंढिए। सर्वश्रेष्ठ भक्त को ढूंढने के लिए वहां से निकले, तो जहां प्रयागराज में एक बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति भंडारा कर रहे थे, उन्होंने जो देखा कि इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो उस भंडारा होने के उपरांत उनको कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं, आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां के जो राजा है वो महान जो है संत है, राजा होते हुए भी ऐसे तुच्छ सेवक की तरह रहते हैं और ठाकुर जी की कहीं ना कहीं सुंदर तरीके से यात्राएं करते हैं और सुंदर तरीके से श्रृंगार सेवा और उनका सुंदर ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद वितरण कराते रहते हैं। तो श्री नारद जी वहां पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने उनका दर्शन किया और बड़े ही हृदय उनका गदगद हुआ कि तुम परम संत हो, तुम परम भक्त हो, मैं जिसको ढूंढ रहा था वह तुम हो, प्रयाग में जितने भी साधु जिसको खोज रहे हैं वो तुम। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एकमात्र अच्छे पुण्य कर्म करके ये राजा का शरीर प्राप्त हुआ और राजा का शरीर प्राप्त होने के कारण ये थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाता हूं, समय का अभाव होते हुए भी
ये कर पाता हूं, नहीं तो मेरे जितना पापी कोई नहीं है, मेरे जितना विषय कोई नहीं है, क्योंकि राजा का जीवन बड़ा विषय होता है। सुबह से शाम तक चिंतन करता रहता है किस प्रकार से प्रजा को सुख करूं, खुद कैसे सुखी हूं, कैसे भंडारे को भरूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी जो है श्री बृहद भागवतम में कथाएं हैं। उसके बाद उनको वहां से इंद्र की तरफ भेजा, इंद्र के बाद उन्होंने फिर जो है प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, फिर पांडव इत्यादि, धीरे धीरे नारद जी, सब जगह गए और सब भक्तों ने एक ही बात कही कि मैं बिल्कुल निकृष्ट हूं, मेरे जैसा कोई नीच नहीं। मैं जैसे हनुमान जी का भी महर्षि ने बताया, यदि मैं अच्छा होता, मैं यदि अच्छा भक्त होता तो क्या श्री रामचंद्र मुझे अलग करते, मुझे छोड़कर चले गए और सारी अयोध्या को लेकर चले गए। तो देखो ये भावना कि मैं सबसे छोटा, चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया कि सबसे छोटा हमें समझना, तिनके से भी सुनीच। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ये शुद्ध भक्ति की धारा हृदय में प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये अनमोल वस्तु, ये पवित्र वस्तु इतनी सूक्ष्म है, इसको दिखावे से, इसको पठन पाठन से कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल जो संतों के चरण रज से जब तक अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक हम हमारा कल्याण होने वाला नहीं। इतनी अनमोल पवित्र और आनंद प्रदान करने वाली ये भक्ति एकमात्र साधु के हृदय में और उनकी चरण सेवा करने से हमें प्राप्त सहजता से हो जाती है। ये सारी बात, ये तो एक खंड है श्रीमद् बृहद भागवत का। आगे पांडवों की, पांडवों की महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर आज कथा श्रवण कराई है। उसमें पांडवों जी की चाचा थे विदुर जी, विदुर जी की आप सबने काफी कथाएं श्रवण की है। विदुर जी जब तीर्थ स्थलों से आए और देखा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और आकर देखा धृतराष्ट्र जो है अभी तक तो पांडवों को मरने के लिए हमेशा इच्छा करता था कि अब मर जाए, तब मर जाए, मैं अपने पुत्र को सारा पृथ्वी का साम्राज्य प्रदान कर दूं। और अब जब दुर्योधन इत्यादि सब समाप्त हो गए तो भी देखो धृतराष्ट्र पांडवों के टुकड़ों पर पल रहा। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें अभी भी इस शरीर में इतनी आसक्ति है, इस शरीर से और कितना जीना चाहते हो? जो भीम को तुम मार देना चाहते थे वो भीम अब तुम्हें ऐसे टुकड़ा फेंकता है जैसे कुत्ते को रोटी कोई डालता, और तुम उनके टुकड़ों में पल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये जीवन खाने पीने मौज मारने के लिए नहीं, और तुम्हें इतना महादुख हुआ, तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर गए, तुम्हारा सारा साम्राज्य चला गया और तुम शत्रुओं के यहां उनके चरणों में पड़े होकर के टुकड़े खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये जीवन, ये यहाँ पर जो है कोई भी अमरता को प्राप्त नहीं है, एकमात्र भजन के लिए। तो सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। विदुर जी महान संत थे, पूरा जीवन हो गया जो बात समझ में नहीं आई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो बार बार आकर के दर्शन भी देते तो भी धृतराष्ट्र को समझ नहीं आए, महान संत ने चुटकियों में समझा दिया। देखो साक्षात भगवान राम और कृष्ण आ जाते हैं तो कंस और रावण को समझ नहीं आता ये भगवान इनका प्रेम पाना, उल्टा उनसे युद्ध कर बैठते हैं, और संत आते हैं तो उनको प्रेम भी प्रदान कर देते हैं। भगवान कंजूसी करते हैं लेकिन संत कंजूसी नहीं करते। तो ऐसे हमारे श्री गुरुदेव है, इनका जोरदार तालियां हरि बोल श्री गुरुदेव की। दूसरा खंड इसमें श्रीमद् बृहद भागवतम में दूसरा खंड भी है, इसमें तो पांडवों के बाद गोपियों का भी आएगा, गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। देखिए जितने भी भक्त हैं अपने अपने रस विचार के अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब सर्वश्रेष्ठ है। कोई सखा भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, कोई मधुर भाव में, कोई दास भाव में, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी गोपी भाव जो है, जो चैतन्य महाप्रभु और हमारी गुरु परंपरा गोपी भाव में भी मंजरी भाव जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव है, उसको प्रदान करने के लिए जो यहाँ पर हमारे महाप्रभु और गुरु परंपरा और श्रील सनातन गोस्वामी जी ने इतना सुंदर एक ग्रंथ लिखा, ये हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हर कथा में बृहद भागवतम को सारांश में जरूर सुनाते थे। हमने
उनके मुखारविंद से भी श्रवण किया, गुरु जी महाराज जी की के मुखारविंद से भी हम श्रवण कर ही रहे हैं और बीच बीच में उस समय भी किया। तो ये एकमात्र हमको चेताने के लिए और मजरी भाव को प्राप्त करने के लिए ये सारे ग्रंथ हैं। दूसरे खंड में गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार एक ब्रज के ही पास एक गांव था, उसमें ये बालक जो एक ऐसे संत से मिले जिनको भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम था, उनके चरणों में जाकर के इन्होंने गुरु मंत्र ग्रहण किया, उनकी सेवा की, हरिनाम लिया और दीक्षित होकर हरिनाम करने लगे। हरिनाम करने लगे, समय बीता। गुरुजी जिस प्रकार से हमारे महाराज श्री भी कभी यहाँ कभी वहां प्रचार हेतु जाते हैं, वो गुरुजी भी वहां से चले गए, उन्हें ये सब प्रदान किया मंत्र। उसके बाद वो चले गए। गोप कुमार जी जिस प्रकार से भी सारी कथा हमने श्रवण की, ठीक इसी प्रकार से उनका मन अभी चंचल है, साधक अभी सिद्ध नहीं हुआ। साधक को बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। साधक को कभी भी एकदम से अपने आप को थोड़ा बहुत जो आनंद की छींटे लगती है उसमें ये नहीं समझना चाहिए मैंने बहुत उपलब्धि प्राप्त कर ली और मैं सिद्ध हो गया। आगे माया ऐसी सी परीक्षा लेती है कि उस गोप कुमार को, क्योंकि वो भक्ति भी कर रहा था और ये जो हरिनाम है ये ऐसा अचूक बाण है, राम बाण है, ये निश्चित तौर से प्रेम प्रदान करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से गोप कुमार की कथा में उन्होंने जहां जहां इच्छा की, उन्होंने यहां से जो है स्वर्गलोक गए, स्वर्गलोक में सारे उपभोगों को देखा, लेकिन हरिनाम ने उनकी रक्षा की। हरिनाम ने उनको चेताया कि तू इधर स्वर्ग में भोग करने नहीं आया। पुनः वहां से उन्होंने और आगे ब्रह्मलोक जाने की इच्छा की। ब्रह्मलोक गए, वहां पर देखा कि सब अच्छा है, यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप नहीं कर रहा, हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर रहा, इसमें कोई रस नहीं है। वहां से और उत्तरोत्तर जितने भी वैकुंठ लोक में गए, शिवलोक में गए, शिवलोक में भी वहां पर प्रणाम किया शिव जी को, चतुर्संग जी का संग मिला और वह प्रणाम करके वहां से भी उनको आनंद नहीं मिला, कृष्ण भक्ति नहीं मिली। वो हरिनाम में जो रुचि आती है, जो आनंद आता है, वो वहां नजर नहीं आया। वहां से वैकुंठ लोकों में गए, वैकुंठ लोकों में भी श्री नारायण जी का दर्शन कर रहे हैं और आनंद आ रहा है। आनंद करने के बाद भी उनको वहां ब्रज नहीं मिला तो उन्हें वहां पर भी बड़ा कष्ट हुआ कि यहाँ किस प्रकार से मुझे श्री गोपाल जी के दर्शन होंगे जो गैया और बछड़ों के पीछे दौड़ते हैं। तो श्री नारायण ने वहां पर लीला की, क्या लीला की, साक्षात श्री कृष्ण बन करके बछड़ों और गैयों को चराने के लिए निकले वैकुंठ लोक में और गोप कुमार जी वहां दर्शन कर रहे, दर्शन करके उन्हें बड़ा आनंद आया और उनको देख करके प्रणाम किया और वहां पर बेहोशी की अवस्था में पड़ करके भी फिर उनको जब चेत आया तब लगा कुछ ना कुछ यहाँ पर अभाव है। अभाव किस चीज का है? वो ब्रजमंडल नहीं है, वो वृंदावन नहीं है, वो यमुना जी नहीं है, वो गिरिराज जी नहीं है, तो यहाँ ये अभाव है। इस अभाव को इस वैकुंठ लोक में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। वहां से इस तरीके से पुनः जो है जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ। जगन्नाथपुरी में एक पंडा ने उनको देखा कि ये छोटा सा गोप कुमार बड़ा भूखा प्यासा है, इनको प्रसाद दिया। प्रसाद पाकर के उन्होंने वहां सेवा की और वहां पर उनको जगन्नाथ जी का महान राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी जगन्नाथ जी की सबसे अच्छी सेवा मिली, सेवा करवाते हैं करते हैं तो भी हृदय में उनके कोई भी ऐसी शुद्धता और पवित्रता और शीतलता स्थिर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वृंदावन नहीं। और चाचा जगन्नाथ जी का दर्शन रोज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यहां तक कि उनसे वार्तालाप भी करते हैं तो भी उनको लगा कि मेरा लक्ष्य यह नहीं। वहां से उनको ना आए, कितने कल्प बीत गए इन सब यात्रा में और फिर ब्रज के अंदर वो आए, उनको पुनः वही गुरुदेव जो देखो कितने कल्प पहले जो मिले थे वो पुनः प्रकट होकर के परिणाम कर रहे हैं, आनंद से जो है कीर्तन करते हुए गुरुदेव जा रहे हैं। गोप कुमार ने तुम चरणों में लोटपोट होकर के कहा, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया था
मैंने उस पर पूर्ण निष्ठा नहीं की, मैंने यहाँ वहां जाने की इच्छा की और सब जगह सारे लोगों में जाकर देख लिया, जो आपने मंत्र और प्रेम दिया वो कहीं नहीं। तब जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा तुम निष्ठावान होकर के धैर्यता से इस हरिनाम को हृदय में हृदयंगम करके इस हरिनाम को जपो और तुम्हें साक्षात राधा गोविंद की रासलीला, साक्षात राधा गोविंद प्राप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने गोकुमार जी ने ये निष्कर्ष निकाल करके हरिनाम किया। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए है कि गुरुदेव को भी हम साधारण मान लेते हैं कि इसी जन्म के हैं, ये नित्य है, हमेशा है, हर जगह हमारा साथ देंगे, हर कल्प में हमारे साथ खड़े होंगे। तुम निष्ठा अपने पक्की रखना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोप कुमार की जय। बोलो अब लोग, अब सुनोगे? अभी चिराग वाक रहेगा, नहीं तो कल कल आज, क्योंकि सबको सवेरे मंगल आरती में आना पड़ेगा, इसलिए कल तुम सुना देगा, ठीक है? कल सुना देगा, इसलिए जल्दी जल्दी आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि कल सवेरे मंगल आरती में सबके साथ कल आना, ठीक है? कल आना। और कल एक संतों का चरित्र सुनाएंगे, हमारे संप्रदाय में एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हमारे संप्रदाय के, उसने आज जो कथा को तैयार किया वो दो दिन कथा सुनाएगा, कल कुछ सुनाएगा फिर परसों भी कुछ सुनाएगा, दो दिन कथा सुनाएगा। आज 8 बज गया, जल्दी जल्दी आप लोगों को फिर आना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए कल सबको सब कल सवेरे जाना, ठीक है ना? सबको सब एक महीना तो नियम, अकेले नहीं, अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर जाना। बोलो चलो गौड़ी मठ में मंगल आरती दर्शन करने के लिए, ठीक है? ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना।
जय जय तो